सबसे पहले की ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले क्वालिफायर मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लिहाजा की मुंबई की टीम में तीन बदलाव जरूर हुए हैं। प्लेइंग 11 में जसप्रीत बुमराह, बोल्ट और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। जाहिर बात है कुछ प्लेयर्स को रेस्ट देना होगा, आज का मुकाबला भी उतना इंपॉर्टेंट है। आज दिल्ली कैपिटल्स के डगआउट को संभाल रही हैं सरगम और शुभांकर मुंबई इंडियंस के डगआउट को संभालेंगे। कौन कौन से इनके की प्लेयर्स हैं उस पर नजर रहेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता है और आज के पहले प्लेऑफ से फाइनल का सफर कैसा होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। आज जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी और जो टीम हारेगी उसे दूसरे क्वालिफायर में एक बार फिर से फाइनल में पहुंचने का मौका मिल पाएगा। कल हैदराबाद और बैंगलोर में से जो टीम जीतेगी वो आज के मैच में हारने वाली टीम के साथ भिड़ने वाली है और इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल खेलेगी। तो इस तरीके का गणित रहने वाला है, प्लेऑफ से फाइनल तक का सफर ऐसा ही रहेगा। न्यूज और क्रिकेट का एक्सक्लूसिव डोज हर रोज, अभी सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल, लॉग ऑन करें IPL2020.TV9BharatVarsh.com पर, जवाब दीजिए आसान से सवालों का और जीतिए ढेर सारे इनाम हर रोज। पैनासोनिक इंडिया खास बासमती राइस और पी सेफ के गिफ्ट हैम्पर्स।